हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हम आर्ट एंड कल्चर को कंटिन्यू करेंगे. लेट मी चेक कि सब कुछ ठीक है कि नहीं. आई होप गाइज आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू. आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ग्रेट. ओके, आई कैन सी सभी लाइव हैं. राइट. ठीक है गाइज, एक बार क्विक रिकैप करते हैं अब तक हमने क्या क्या कवर किया है. सबसे फर्स्ट सेशन में हमने हड़प्पन आर्ट को कवर किया था. हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बाद फिर हमने मौर्यन आर्ट को डिस्कस किया. मौर्यन आर्ट में हमने देखा कि दो प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है, कोर्ट आर्ट एंड इंडिविजुअल इनिशिएटिव. इसके बाद फिर हमने इसके अंतर्गत जो भी केव आर्किटेक्चर है, गांधार, मथुरा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के डिफरेंस को समझा. आज का जो हमारा सेशन है वो है गुप्ता एज आर्ट के बारे में. गुप्ता एज आर्ट का कुछ इंट्रोडक्शन हम पिछली क्लास में ही कवर कर चुके हैं तो उसे अब मैं रिपीट नहीं करूँगी. आज जो हमारा फोकस है वो है गुप्ता एज के टाइम में डेवलप हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो टेम्पल आर्किटेक्चर को आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे. तो गुप्ता एज में आर्किटेक्चर्स में हमने ये देखा था कि केव्स बहुत ज़्यादा हमें मिले हैं और इसमें अजंता एंड एलोरा केव्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद हमने स्कल्पचर्स की बात की और फिर देखा कि टेम्पल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड देन फिफ्थ स्टेज, और फिर रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनने लगे. तो अब जो है हमारा अब का जो टॉपिक रहेगा वो है जो टेम्पल आर्किटेक्चर के डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे हम उसे कवर कर सकते हैं. तो बिल्कुल एक क्रैश कोर्स के जरिए आज की हम क्लास में पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर कवर करेंगे वन बाय वन. तो जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर्स हम कवर करेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं. हम कवर करेंगे नागर स्टाइल एंड देन हम कवर करेंगे द्रविडियन स्टाइल. लेट मी टेक अ पेन. सबसे पहले नागर स्टाइल, फिर द्रविडियन स्टाइल, फिर नायका स्टाइल, विसारा स्टाइल, होयसाला स्टाइल, विजयनगर आर्ट एंड पाला स्कूल. ये सब हमें एक एक करके कवर करना है और हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस भी साथ साथ हम कवर करते रहें. और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स में उसके मैं आपको साथ साथ जानकारी देती रहूँगी कि आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं. कल हमने देखा था कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि हर एक हिंदू टेम्पल में हमें मिलेंगी ही मिलेंगी. कुछ बेसिक फॉर्म होते हैं और उसमें क्या क्या आता है. उसमें आता है हमारा सेंक्टम सेंक्टोरम एंड मंडप, शिखारा, वाहन. इसमें जो सेंक्टम सेंक्टोरम है उसका मतलब क्या होता है? गर्भगृह. और ये किसके लिए है? ये जो प्रिंसिपल डीटी हैं उनकी मूर्ति के लिए बनाया गया है. ये गर्भगृह प्रिंसिपल डीटी की मूर्ति के लिए बनाया जाता है. तो सेंक्टम सेंक्टोरम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे वूम हाउस कह सकते हैं, इसे गर्भगृह कह सकते हैं. फिर आता है मंडप जो कि हमें सेंक्टम सेंक्टोरम से कनेक्ट करता है और यहाँ पर जो डिवोटी है वो चल करके आते हैं. फिर लास्ट हमारा यहाँ पे शिखर है जो कि जो टेम्पल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है. और वाहन, वो वाहन है जिस पर जो डीटी है उन्हें कभी झांकी ले जाने के लिए, कभी ट्रैवल के लिए जिस पर वो डीटी बैठेंगे, तो वो सेंक्टम सेंक्टोरम के जस्ट बाहर ही रहता है. हमने नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कवर किया जहाँ हमने जाना था कि इसमें पंचतयन स्टाइल को फॉलो किया जाता था, इसमें असेंबली हॉल की प्रेजेंस थी, इसमें गंगा और यमुना जैसी जो रिवर गॉडेसेस हैं उनकी इमेजेस गर्भगृह के बाहर लगाई जाती थी, कोई भी वाटर टैंक अवेलेबल नहीं है और जो मंदिर है उसे एक अप्रेज प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था और साथ ही एक पिलर्ड अप्रोच रहा करता था. इसके अंतर्गत हमने ये वाला जो डायग्राम है ये कवर किया जहां हमने ये देखा था
ये सबसे टॉप मोस्ट पार्ट शिखर है, ये पिलर्ड अप्रोच है, पिलर के द्वारा इस रूफ को सहारा दिया जा रहा है, ये सेंक्टम सेंक्टोरम है और ये अपरेज प्लेटफॉर्म है, इसके बाद यहाँ पे ये जो है ये एम्बुलेटरी पैसेज पे है। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है कि ये जो नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है इसके अंतर्गत जो सब स्कूल्स हैं उसे हम कवर करें। ये पूरे नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसे एज अ होल हम नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोल रहे हैं, लेकिन हर जगह हर एक राज्य में उनका अपना एक स्टाइल फॉलो हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अलग-अलग राज्यों में जो सेम स्कूल है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है? आंसर दीजिए आप कमेंट्स में। ऐसा क्या है कि हम अलग-अलग राज्य में जा रहे हैं तो हमें अलग-अलग प्रकार के मंदिर मिल रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्यों उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल और सोलंकी स्कूल में जो टेम्पल्स हैं वो डिफरेंट है, वाई? कल्चर की वजह से, अभिषेक तिवारी बता रहे हैं कल्चर की वजह से, डिफरेंट गॉडनेसेस, ठीक है कल्चर तो है। और एक और चीज़ आप देखो ना कि ये जो मंदिर है ये बनवा कौन रहा है, मंदिर बनवाने के पीछे हाथ किसका है? इसलिए कि वहाँ का कल्चर अलग अलग होगा, ठीक है, टाइम भी अलग अलग हो सकता है। स्वाति रोहिला, वेरी नाइस, एक नया अच्छा पॉइंट आपने ये निकाला कि हो सकता है कि वक्त अलग अलग है बनने का, इसीलिए डिफरेंट रूलर्स वर प्रेजेंट। तो डिफरेंट रूलर्स के प्रेजेंट होने से क्या चीज़ें हैं जो अलग हो जाएंगी आर्यना? अगर डिफरेंट रूलर्स हैं तो उसे क्या फ़र्क पड़ सकता है? हाँ डिफरेंट रूलर्स हैं, डायनेस्टीज हैं डिफरेंट, ठीक है, तो बताइए विवेक, अगर डिफरेंट डायनेस्टीज है तो इसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लोगों के जो थॉट हैं और लोगों के जो कंडीशन है वो अलग अलग है। वेरी नाइस मुकेश, ठीक है, देखो डिफरेंट रूलर्स का एक जो पॉइंट आपने उठाया वो सही है, बट उसको आप इलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर अलग अलग रूलर्स का रोल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक रूलर का अपना एक पर्सनल टेस्ट है, उसका अपना एक पर्सनल टेस्ट है, उसका अपना एक पर्सनल बिलीफ है। हो सकता है कि एक रूलर शिव की पूजा करता है और दूसरा रूलर विष्णु की पूजा करता है और तीसरा रूलर शक्ति की पूजा करता है, तो तीनों के मंदिर जब बनाए जाएंगे तो वो अलग होंगे। और एक जो चीज आपने सबसे मेन है वो तो आपने बताया ही नहीं मुझे, जो मंदिर बनता है वो जो अलग अलग मटेरियल से बनता है, लोकली हर जगह अलग अलग मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, सॉइल की बात हो, पत्थर की बात हो, दूसरी चीजों की अगर हम देखें तो जो भी मटेरियल का मिक्सचर लगेगा वो अलग अलग है। जब हर जगह अलग मटेरियल मिल रहा है, लोकली हर एक चीज अवेलेबल नहीं है, तो वैसे ही तो मंदिर बनेंगे ना। एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर हुआ और हमें ये भी देखना पड़ता है कि वहां का मौसम कैसा है। अगर वर्षा वाला मौसम है, ज्यादा ज्यादा बारिश होती है और जहां पे थोड़ा वेट एरिया है वहां पर जो मंदिर बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। जहां पर धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, वहां जो मंदिर बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, राइट? इसीलिए अलग अलग रूलर्स का अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक? या चलिए, तो इसमें हमने ये समझ लिया कि उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल, सोलंकी स्कूल, ये तीनों जो स्कूल्स हैं इन तीनों में डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम उड़ीसा स्कूल की बात करेंगे। डिफरेंट पार्ट ऑफ कलिंग एम्पायर का उड़ीसा स्कूल में आएगा और इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इसके फीचर्स बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं वो लेविशली डेकोरेटेड हैं। जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं, एक्सटीरियर का मतलब क्या हुआ? बाहर की दीवारें, मतलब मंदिर जो है बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा नक्काशी की गई है, इंटीग्रेट कार्विंग, बहुत ही ज्यादा कार्विंग है, बट बाहर से ये जितना ज्यादा डेकोरेटेड है अंदर से ये उतना ही ज्यादा प्लेन है, अंदर से ये बिल्कुल प्लेन रहेगा। कोई भी पिलर्स का यूज यहाँ पर हम नहीं देखते हैं, नो यूज ऑफ पिलर्स।
पिलर्स की जगह पे यहाँ पे खंभों का यूज होता है, लोहे के खंभे, लोहे के खंभों का यूज किया गया है ताकि रूफ को सपोर्ट किया जा सके। अगर स्तंभ नहीं बनाए जा रहे हैं तो स्तंभ नहीं है तो कोई बात नहीं, बट कुछ और तो हमें चाहिए जिससे कि हम उस रूफ को सपोर्ट कर सके। तो सपोर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है आयरन गिर्डर्स की। तो उड़ीसा स्कूल में हम पिलर्स का यूज नहीं देखते। यहाँ हम देखते हैं कि जो शिखर है उड़ीसा स्कूल का, वो उसे रेखा द्वयल टाइप का शिखर हम कह सकते हैं। ये ऑलमोस्ट वर्टिकल रूफ्स होते थे इसके, और ये जो है सडनली अंदर की तरफ कर्व हो जाते हैं, शार्पली, इनवर्ड शार्पली कर्व हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से शिखर होंगे उड़ीसा स्कूल में। यहां आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कैसे अंदर की तरफ ये मुड़ रहा है। ये वाला जो पार्ट है मंदिर का, यही शिखर है। जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट देख रहे हैं आप मंदिर का, ये शिखर है, दिस इज शिखर। और इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है, ये अमालका है, दिस इज अमालका। तो जो मंडप होगा उड़ीसा स्कूल में, वो मंडप जो है उसे हम जगमोहन कह रहे हैं। अच्छा, वैसे मंडप का मतलब क्या होता है? वैसे अगर हम मंडप की बात करें तो व्हाट इज मंडप? मंडप क्या है? मंडप इज असेंबली हॉल। मंडप वैसे असेंबली हॉल होता है, बट यहां पर मंडप को असेंबली हॉल नहीं कह रहे हैं, मंडप को जगमोहन कह रहे हैं। और यहां हम देखते हैं कि जो ग्राउंड प्लान बनाया जाता है मंदिर का, वो स्क्वायर है। टेम्पल्स जो हैं उसके आसपास एक बाउंड्री वॉल भी है। बट आपको मैंने कल जब नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बेसिक डिफरेंसेस को बताया, समझाया, तो वहां मैंने आपको ये बताया था कि ये जो बाउंड्री वॉल्स होते हैं वो नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन द्रविड़ियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में साउथ इंडिया में जब भी मंदिर बनता था तो उसके आसपास एक बाउंड्री वॉल भी बनाई जाती थी। लेकिन नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के सब स्कूल उड़ीसा स्कूल के अंतर्गत यहाँ पे भी हमें बाउंड्री वॉल देखने को मिल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में मिलती है। लेकिन ये द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंतर्गत नहीं आ रहा, ये आ रहा है नागर स्कूल के अंतर्गत, क्योंकि ये नॉर्थ में है। एग्जाम्पल के लिए सन टेम्पल एट कोनाक, और जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है। जो सन टेम्पल है उसे ब्लैक पकोड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की पहली किरणें जो है वो इसी के गर्भगृह पर पड़ती है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि उड़ीसा स्कूल बिल्कुल डिफरेंट है। अब आता है अगला, खजुराहो स्कूल। खजुराहो स्कूल जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, और इस टाइम में चंदेला रूलर्स हुआ करते थे जिन्होंने ये अलग सा ही स्टाइल डेवलप किया। इसे हम खजुराहो स्कूल कहते हैं। और इसके फीचर्स क्या हैं? यहाँ हम देखते हैं कि मंदिर की अंदर और बाहर दोनों की ही दीवारें जो है वो लेविशली डेकोरेटेड हैं। इंटीरियर वॉल्स भी डेकोरेटेड हैं और एक्सटीरियर वॉल्स भी डेकोरेटेड हैं, और जो स्कल्पचर्स हैं वो एरोटिक हैं। इनका जो थीम है वो वात्सायन के काम सूत्र से लिया गया है, और जो टेम्पल्स हैं वो पूरे के पूरे सैंडस्टोन से बने हुए हैं। तो यहाँ हम डेकोरेशन अंदर भी देख रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। यहाँ जो टेम्पल्स हैं इनका जो गर्भगृह होगा, मंडप होगा, वो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें एक चीज है जो ऐड हो गई है, और वो है अर्ध मंडपा। पहले हम ये देखते थे कि एक यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए कि ये मंदिर है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये गर्भगृह होगा जो सबसे अंदर है, और ये वाला जो पार्ट है ये मंडप होगा जो कि हमें गर्भगृह तक लेकर के जा रहा है। तो बीच में ये क्या है? ये बीच वाला पार्ट फिर क्या हो गया? ये क्यों लाया गया है? ये एक और अंतराल है, ये एक और मंडप है जो कि अर्ध मंडप है। इट इज नोन एज अर्ध मंडप। यहां हम देखते हैं कि जो टेम्पल है उसका एंट्रेंस जो है वो वेस्टिबुलर एंट्रेंस है जो कि गर्भगृह तक लेकर के जाएगा, जिसे कि हम अंतराल कह रहे हैं। ठीक, अंतराल।
और जो टेम्पल्स हैं जनरली वो नॉर्थ या तो ईस्ट फेसिंग ही हुआ करते थे, और यहाँ पर भी पंचतेन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग को फॉलो किया जाता है। और पंचतेन स्टाइल में एक चीज़ होती थी कि जो मेन टेम्पल है उसके ऊपर तो शिखर होगा, पर बाकी के जो चार टेम्पल्स और हैं उसके अगल बगल में, उनमें शिखर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा या होगा ही नहीं, वो फ्लैट रूफ के होंगे। बट यहाँ खजुराहो स्कूल में जो सब्सिडरी श्राइन्स है उनके ऊपर भी जो शिखर है वो रेखा प्रसाद शिखर फॉलो किया जा रहा है, यानी कि इस प्रकार का जो शिखर है वो फॉलो किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेन टेम्पल है उसका जो शिखर है ऐसा ही शिखर बाकी सब्सिडरी श्राइन में भी देखने को मिलेगा, और जब हम इसको दूर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, जैसे कोई माउंटेन रेंज हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज लुकिंग लाइक अ माउंटेन रेंज, ये एक माउंटेन जैसे दिख रहा है ऊपर से। ये जो टेम्पल्स हैं ये रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे, ऊंचाई पर बनाए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए केंद्रीय महादेव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल जो कि खजुराहो में है, ये हुआ खजुराहो स्कूल। तीसरा है सोलंकी स्कूल, सोलंकी स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये हमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है, जिसमें कि गुजरात और राजस्थान के इलाके आएंगे। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे इस इलाके में पानी की हमें कमी देखने को मिलती है? अगर पानी की कमी देखने को मिलेगी तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ के मंदिरों के अंतर्गत पानी का कोई सोर्स बनाया जाएगा, तालाब बनाया जाएगा, कोई स्टेप टैंक बनाया जाएगा, क्या उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी इन मंदिरों में? ये सर नो, ऑफ कोर्स पड़ेगी। तो वैसे नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में किसी भी मंदिर में आप देखोगे तो वहां पर आपको पानी का कोई सोर्स अंदर नहीं मिलता है, कोई वेल्स, कोई टैंक, कोई भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट है, उसमें हमें कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन सोलंकी स्कूल क्योंकि गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में है तो ऑफ कोर्स वहां पर हमें मिलेगा, अब यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी, राइट। ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग मंदिर भले ही एक ही सिंगल ग्रुप में आए, भले ही वो एक ही सिंगल टाइप ऑफ स्कूल के अंदर काउंट हो, लेकिन जब उनकी ज्योग्राफी चेंज होती है तो मंदिर की जरूरत के हिसाब से हम आर्किटेक्चर को भी बदल देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं क्यों क्यों ही एक ही नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंतर्गत जो उसके सब स्कूल्स हैं उनके मंदिर एक दूसरे से इतने अलग क्यों दिखते हैं, ये क्या रीज़न है कि ये मंदिर एक दूसरे से इतने डिफरेंट है? तो आपको उसके सारे फैक्टर्स बताने पड़ेंगे, उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताने पड़ेंगे कि ज्योग्राफी अलग अलग है, उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स बताने पड़ेंगे कि राजा अलग अलग है और राजा का टेस्ट अलग अलग है, आपको उसके सोशल फैक्टर्स बताने पड़ेंगे कि सोसाइटी कैसी है और वहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या मान्यता है, और उसके बाद आपको ये भी फैक्टर्स बताने पड़ेंगे कि जिन लोगों ने उनको बनाया वो लोग किस प्रकार का मटेरियल यूज़ कर रहे थे, क्या वो मटेरियल लोकली अवेलेबल था या वो उसको बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके लिखनी पड़ेंगी पॉइंट वाइज, और इनको रिलेट करना पड़ेगा, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा कि जब हम देखते हैं कि जब विविधता हो रही है और अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग जगह पर हैं तो वो हमें मंदिर में भी देखने को मिल रहा है, उनका जो टेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि जो स्कूल है वो डेवलप हो रहा है, और ये इसको जो पैट्रोनेज मिल रही थी वो मिल रही थी सोलंकी रूलर से। यहाँ हम देखते थे कि टेम्पल्स में किसी प्रकार की कोई भी कार्विंग नहीं है, पर बाकी किसी स्कूल में ऐसा नहीं था, बट ये सोलंकी स्कूल ही ऐसा है जहाँ पे किसी प्रकार की कोई कार्विंग नहीं है। यहाँ जो गर्भगृह है वो मंडप से कनेक्टेड है, बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, यानी कि अब अगर ये मान लो गर्भगृह है, यहाँ तक पहुँचना है तो ये मंडप है, तो एक तो हो गया कि ये बाहर से है, और एक रास्ता अंदर से भी होगा जो कि मंडप की तरफ इसको जोड़ रहा होगा, इंटरनली भी एक रास्ता बनाया हुआ है, एक पीछे का दरवाजा है, तो इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल एक खास बात है जो किसी और स्कूल में नहीं मिल रही है, हमें सोलंकी स्कूल में मिल रही है। तो ये आपको याद रखना है कि सोलंकी स्कूल में पहली बात तो कोई कार्विंग नहीं है, कोई नक्काशी नहीं है, मंदिर की जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल प्लेन है,
और उसमें एक रास्ता है जो गर्भगृह से मंडप को इंटरनली भी जोड़ रहा है और एक्सटर्नली भी जोड़ रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि मंदिर तो डेकोरेटेड नहीं है, लेकिन जो वरांदा है, जो गेटवे है, वो सब बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। उसमें हमें डेकोरेशन देखने को मिल रहा है। गेटवे को ही तोरण कहा जाता है, तो तोरण बहुत सजाए हुए हैं। इसके अंतर्गत स्टेप टैंक भी है, इसे सूर्य कुंड भी कहा जा सकता है, जो टेम्पल के प्रॉक्सिमिटी के अंदर ही होगा, टेम्पल के अंदर होगा। और ये जो स्टेप टैंक है, इसमें हम देखेंगे कि स्टेप्स जब बने हुए, जैसे ऐसे ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं, तो स्टेप्स में भी मंदिर बने हुए हैं। हर एक स्टेप पे भी एक मंदिर बना हुआ है। स्टेप्स में भी स्मॉल स्मॉल टेम्पल्स बने हुए हैं। और यहाँ पर हम वुडन कार्विंग देखते हैं। ये जो छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं, इनमें हम वुडन कार्विंग देख पाते हैं। तो ये है सोलंकी स्कूल। यहाँ आप देखिए, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ये जो इस इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मंदिर में आप देख सकते हैं कि कोई कार्विंग नहीं है, ये टेम्पल है। और यहाँ पर इस टेम्पल के इधर यहाँ पे ये स्टेप टैंक बनाया गया है, और हर एक स्टेप टैंक जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, तो वहाँ पे भी नीचे भी मंदिर है। यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो बहुत वेराइटी का मटेरियल यूज़ हो रहा है। इसमें सैंड स्टोन भी है, ब्लैक बेसल भी है, सॉफ्ट मार्बल भी है। टेम्पल्स हमेशा ईस्ट फेसिंग हुआ करते थे, और ये ऐसे ड्रॉ किए गए हैं कि जब इक्विनॉक्सेस होंगे तो जो सन की रेज है वो बिल्कुल डायरेक्टली सेंट्रल श्राइन पर पड़ेगी। जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्टली जो मेन गर्भगृह है, जो सेंट्रल श्राइन है, वहीं पर पड़ेगी। अब ये इक्विनॉक्स क्या होता है? व्हाट इज दिस इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स क्या होता है और इसके क्या फीचर है? इक्विनॉक्स होता है तो क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है, तो रिवॉल्व करते करते एक टाइम पर वो यहाँ पहुँच जाती है, फिर एक टाइम पर वो यहाँ पहुँच जाती है, और एक टाइम पर फिर वो यहाँ पहुँच जाती है। तो ये वाली जो पोजीशन है और जो ये वाली पोजीशन है, ये जो दोनों पोजीशन है, ये इक्विनॉक्स है। दिस इज इक्विनॉक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट होता है। जो दिन और रात का समय है वो इक्वल है, दिन और रात इक्वल हैं, ना दिन लंबा है ना रात लंबी है, दोनों इक्वल हैं, तो इसे इक्विनॉक्स कहा जाएगा। दिस इज नोन एज इक्विनॉक्स। ये दो पोजीशन है। अच्छा, ये वाला जो है इसे क्या कहेंगे? इस वाली पोजीशन को, ये क्या है? दिस इज समर सोलिस्टिस। एंड इसके ऑपोजिट में अगर ये वाली पोजीशन पे अर्थ आ जाएगी तो ये हो जाएगा विंटर सोलिस्टिस। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है, नदर्न हेमिस्फेयर या नॉर्थ पोल किस टाइम पर सूर्य को फेस करता है? समर सोलिस्टिस में या विंटर सोलिस्टिस में? लेट मी सी कौन सा ही आंसर देता है। समर सोलिस्टिस में नदर्न हेमिस्फेयर का फेस सन की तरफ रहता है या विंटर सोलिस्टिस में? हाँ, चिराग सही आंसर है। इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। यस, श्रवण सिंह राइट आंसर। इट वुड बी समर सॉलिस्टिस। राइट, ग्रेट। ये समर सॉलिस्टिस होगा। ओके, श्रवण, पलेंद्र, आर्यना, आदेश, अभिषेक, पंकज। ओके, ठीक है। नहीं, विंटर सोलिस्टिस नहीं होगा। तेज प्रताप सिंह परमार, आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो। विंटर सोलिस्टिस नहीं होगा। इट वुड नॉट बी अ विंटर सोलिस्टिस। ठीक है। वीरेंद्र, आप पूछ रहे हो कि मैम मैथ्स की क्लास कब लगती है? देखिए, जो मैथ्स की क्लास होती है ना, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि यूट्यूब पे किस टाइम में उसका सेशन हो रहा है। जैसे अभी हमारी जो क्लास चल रही है वो आर्ट एंड कल्चर की चल रही है, तो 1 घंटा हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं 10:30 बजे तक। इसके बाद फिर आप चेक करते रहिए कि कब होती है मैथ्स की क्लास। ठीक है, तो अलग अलग एजुकेटर्स हैं, तो उसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। तो अब हमारा नॉर्थ इंडिया का टेंपल आर्किटेक्चर कवर हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम साउथ इंडिया का टेंपल आर्किटेक्चर कवर करेंगे। तो गाइज देखिए, अभी जो है आपको मैंने थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ाया, बट वो आपको मैंने पूरा कंप्लीट ऐसे नहीं एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई, क्योंकि वो बस मैं आपको समझाना चाह रही थी कि वो कैसे सोलिस्टिस होता है।
और साथ ही गाइस आप देखो ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ कवर करने के लिए यू कैन ऑल्सो टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी। जो अन अकेडमी का नया सब्सक्रिप्शन प्लान आया है इट रियली वर्क्स, और ये सचमुच में आपको सारे सब्जेक्ट्स का बहुत ही बढ़िया कवरेज देता है। अगर आप मतलब कोचिंग में जाकर के इतना स्पेंड नहीं कर सकते हैं और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि रोज़ का आप आना जाना और ट्रैवल करें और लाखों खर्चे करें, तो आपको वही सेम क्वालिटी घर बैठे मिल सकती है अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लो। तो सब्सक्रिप्शन में अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आज के लिए आई थिंक 10% कुछ डिस्काउंट है, तो यू कैन टेक 6 month सब्सक्रिप्शन और आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन का प्लान लेने में कोई दिक्कत आती है या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें या कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन अन अकेडमी। आप अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है वहाँ पे आप मुझसे मेरे लेसन्स में कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं, या मेरा जो फीड सेक्शन है उसमें भी आप मुझसे अपने जो डाउट है या कोई भी आपकी मतलब प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप यू कैन मैसेज मी देयर ऑल्सो। ठीक है, तो अब टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया की तरफ आ जाते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत हो रही थी पल्लवा रूलर्स के टाइम पे। जो पल्लवा रूलर्स थे उनके टाइम में शुरू हुई और सबसे पहले महेंद्र वर्मन ने इसे शुरू किया। तो पल्लव डायनेस्टी का जो ये शुरुआत है इसमें हम देखेंगे कि जब अलग अलग रूलर आएंगे तो हर रूलर का अपना एक स्टाइलिस्ट अलग टेस्ट होगा और हर एक रूलर अपने टाइप के मंदिर बनवाएंगे। जैसे महेंद्र ग्रुप में जो रूलर हैं ये फर्स्ट स्टेज ऑफ पल्लव टेम्पल है, यहाँ पर हम देखते थे कि बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स हुआ करते थे, सिंपल रॉक कट टेम्पल्स होंगे। मंदिर को बनाने के लिए कोई रियल स्ट्रक्चरल ऐसे मंदिर नहीं है, चट्टान है उसको काट काट करके नक्काशी बनाई जाएगी, उसी से मंदिर बना दिया जाएगा। तो यहाँ जो टेम्पल है इसी टेम्पल को ही मंडप कहा जाता है। वैसे टेम्पल को मंडप कहते नहीं है, मंडप तो असेंबली हॉल को कहते हैं, बट यहाँ पर टेम्पल को ही मंडप कहा जा रहा है। नागर स्टाइल में मंडप का मतलब होता था असेंबली हॉल, बट ये नागर स्टाइल नहीं है, ये है द्रविड़ियन स्टाइल, और यहाँ पे मंडप का मतलब होता है टेम्पल, मंदिर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे चट्टान को काट काट के मंदिर बनाया जाता था। फिर आया नरसिम्हा ग्रुप। जब नरसिम्हा ग्रुप आया तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आया और अब रॉक कट टेम्पल्स को डेकोरेट किया जाने लगा। टेम्पल्स तो रॉक कट ही हैं बट अब उसमें डेकोरेशन है, काफी सारे स्कल्पचर हैं। यहाँ जो मंडप है उसको अलग अलग सेपरेट रथ में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि मंदिर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेपरेट रथाज है। जैसे कि अगर आप इस इमेज में देखें तो आप देखेंगे कि एक रथ यहाँ है, एक रथ यहाँ है, एक रथ यहाँ है और एक रथ यहाँ है। तो सारे जो मंदिर है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, कनेक्टेड नहीं है, ये थोड़ा सा अलग अलग हिस्से में है। तो यहाँ हम कहते थे कि जो सबसे बड़ा वाला रथ होगा, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होगा उसे धर्मराज रथ कहेंगे, जो बिगेस्ट वन होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो द्रौपदी रथ होगा, उसे हम द्रौपदी रथ कहेंगे। यहाँ जो डिज़ाइन होगा टेम्पल का वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आएगा, और इसी के बाद फिर हम देखते हैं कि फुल फ्लेज्ड द्रविडियन स्टाइल शुरू हो जाता है जो कि धर्मराज रथ का ही सक्सेसर होता है, और बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो बनने लगते हैं। फिर राजसिम्हा ग्रुप आया, जब राजसिम्हा वर्मन का रूल था तो इस टाइम में हम देखते हैं कि रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल बनने लगे। अब जो है पूरा स्ट्रक्चर जो एक मंदिर का होता है वो आ गया, अब रॉक कट टेम्पल्स की जगह पर जो रियल टेम्पल के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मंदिर आ गए। जैसे कि शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है, उसका आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो चौथा पार्ट है इसमें हम देखते हैं फोर्थ स्टेज में, ये पल्लव डायनेस्टी के टाइम में जब शुरू हुआ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टेम्पल्स हैं वो थोड़े से छोटे साइज के हैं और इसके सारे फीचर बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे कि द्रविड़ियन स्टाइल के होते हैं। अब पल्लव डायनेस्टी बाद में डिक्लाइन हो जाती है, और पल्लव डायनेस्टी को डिक्लाइन होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और पल्लव डायनेस्टी की जगह पर उन्हीं के किंगडम को आगे रूल करते हैं दूसरी डायनेस्टी के रूलर। कौन थे वो जो पल्लवास को हराते हैं और अपनी डायनेस्टी को स्थापित करते हैं साउथ इंडिया में? वो कौन थे जिन्होंने पल्लवास को हराया और उसके बाद वहां पे कौन सी डायनेस्टी शुरू हुई?
यस राइट आंसर इज चोला, नंदीवर्मा नहीं, चोला चोला, दीपीश नेम ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है, चोला चोला जो है वो आए थे उनकी जगह पर और चोलाज ने ही उनको हराया था। रविंद्र सिंह ऑल्सो राइट आंसर, ग्रेट। तो सबसे पहले जो चोला एम्पायर है वही पल्लवास को हराएगा और फिर वहां पर चोला किंगडम की स्थापना की जाएगी। और चोला किंगडम जब स्थापित हो जाएगा तो चोला किंगडम के बाद हम देखेंगे कि जो स्टाइल आर्किटेक्चर का डेवलप होता है वो होता है द्रविडियन स्टाइल। अब जो पूरा द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये एक नया एरा है जिसमें साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो बनाए जाएंगे। इसके बाद जो लेटर पीरियड्स में हम देखेंगे तीन और भी स्टाइल्स आते हैं, विसारा स्टाइल, नायका स्टाइल एंड विजयनगर स्टाइल, जो कि इसी रीजन में धीरे धीरे डेवलप होंगे। अब शुरुआत करते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। चोला रूलर्स के पेट्रोनेज में बहुत सारे टेम्पल्स बनने लगे, 100 से भी ज़्यादा टेम्पल बने। और इसमें जो पहले जो पल्लवा रूलर्स ने जो पल्लवा आर्किटेक्चर शुरू किया था उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पल्लवा रूलर्स को ख़त्म कर दिया तो उनका आर्किटेक्चर ख़त्म नहीं होगा, नहीं, पल्लवा रूलर्स ख़त्म हो गए, पल्लवा किंगडम ख़त्म हो गया, पर चोला जो है उनका जो प्रीवियस आर्किटेक्चर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बट उसमें थोड़ा सा वेरिएशन लेकर के आएंगे। और इसी वेरिएशन की वजह से अब ये कहलाता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और इसे हम चोला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। सो इन केस आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसे हम और क्या कह सकते हैं, क्या वो पल्लवा भी है, क्या उसे हम पल्लवा स्टाइल कह सकते हैं? नहीं, हम उसे पल्लवा स्टाइल नहीं कह सकते क्योंकि पल्लवा स्टाइल में रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल बनते बनते तीसरा चौथा स्टेज आ गया था। शुरुआत में वहां पे रॉक कट टेम्पल्स बन रहे थे, उसके वेरिएशन के साथ जो स्टाइल डेवलप हुआ वो है द्रविडियन स्टाइल और वो चोला स्टाइल है। इट्स नॉट अ पल्लव स्टाइल, ये चोला स्टाइल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि द्रविडियन टेम्पल्स में बाउंड्री वॉल्स पक्का होगी, ज़रूर होगी। मंदिर अगर है यहाँ पर तो मंदिर के आसपास एक पूरी बाउंड्री वॉल रहेगी, ये नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में नहीं था। ऐसी बाउंड्री वॉल हमें नागर टेम्पल्स में नहीं मिलती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वैसे द्रविड़ियन टेम्पल्स में हम हमेशा देखेंगे कि बहुत ही हाई, बहुत ही ऊंची बाउंड्री वॉल होती है। और जिस रास्ते से हम मंदिर के अंदर जाएंगे वो जो फ्रंट वॉल होती है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एंट्रेंस गेटवे होगा, एक बहुत ऊंचा गेटवे होगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सजावट के साथ, उसे कहते हैं गोपुरम। और जो टेम्पल का प्रेमाइस है उसमें पंचतयन स्टाइल को यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है जिसमें एक प्रिंसिपल टेम्पल और चार सब्सिडरी श्राइन्स होते हैं। क्या ये पंचतयन स्टाइल नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में भी फॉलो हो रहा था? यस, वहां पर भी ये फॉलो हो रहा था। अब हम ये जानेंगे कि इसका क्या 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 इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट है। तो इसका एक क्राउनिंग एलिमेंट क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शेप है वो ऑक्टेगन शेप है, शिखर का शेप बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कलश के जैसा दिखता है, जो नागर टेम्पल में जो कलश हुआ करता था ये स्फेरिकल नहीं है, यहाँ जो शिखर है वो स्फेरिकल नहीं है, ये इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे शिखर है। मंदिर के ऊपर जो टॉप बना हुआ है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, इस तरह से, ऐसा वाला नहीं है, ऐसा वाला है, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो विमान है द्रविडियन आर्किटेक्चर में वो टॉप ऑफ द मेन टेम्पल होगा, यानी कि जो मेन टेम्पल है उसी के ऊपर ऐसे शिखर बनाया हुआ रहेगा और कहीं और सब्सिडरी श्राइन्स में नहीं होगा। जो सब्सिडरी श्राइन्स है उनके ऊपर कोई शिखर, कोई विमान नहीं होगा। लेकिन अगर इसे हम कंपेयर करें नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से तो नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में जो विमान है वो सब्सिडरी श्राइन्स पर भी होता था, जो सब्सिडरी श्राइन्स है उनके ऊपर भी हमें जो एक आप कहें कि शिखर है, शिखर को ही विमान कहा जा रहा है, वो देखने को मिलता था। और उसी की वजह से वो माउंटेन के जैसा दिखता था, माउंटेन लाइक स्पायर दिखता था। आपको मैंने अभी उसकी इमेजेस भी दिखाई थी जब हम पढ़ रहे थे।
तो वहां हमने देखा कि वो माउंटेन लाइक स्पायर देखने को मिलता है। खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हमने देखा कि वो माउंटेन के जैसे दिख रहे हैं ऊपर से, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब्सिडरी श्राइन्स के ऊपर कोई विमान या कोई शिखर नहीं होता, और यहाँ जो असेंबली हॉल है वो गर्भगृह से कनेक्टेड है बाय अ वेस्टिबुलर टनल। टनल का मतलब एक अंतराल के जरिए। यहाँ पे भी अंतराल है, जैसे कि अगर ये मंदिर है और अगर ये मंडप है, ये अगर मंडप है और ये अगर टेम्पल है, मेन टेम्पल गर्भगृह, तो इन दोनों के बीच में एक एरिया होगा जिसे कहेंगे अंतराल। इन दोनों के बीच में अंतराल है, ये एक टनल है जिसे अंतराल कहा जा रहा है। और जो गर्भगृह का एंट्रेंस होता है वहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, द्वारपथ, मिथुन और यक्षास के हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। वाटर टैंक की प्रेजेंस है इनसाइड द टेम्पल, और ये एक यूनिक फीचर होता है द्रविडियन स्टाइल में। हर एक द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें वाटर टैंक जरूर मिलेगा। वाटर टैंक पक्का होगा। जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक पूरा टेम्पल है, ठीक है, दिस इज़ दी बाउंड्री वॉल। ये जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ ये बाउंड्री वॉल है। अगर ये बाउंड्री वॉल है तो अगर हमें मंदिर जाना है तो सबसे पहले हम फ्रंट गेट से आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट में एक बहुत बड़ा सा गोपुरम होगा जो बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे। जब हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, असेंबली हॉल, दिस इज असेंबली हॉल। और असेंबली हॉल के बाद एक और छोटा सा टनल आएगा, एक और छोटा सा हॉल आएगा जिसे कहते हैं अंतराल, दिस इज नोन एज अंतराल। यहाँ पे अंतराल है, और अंतराल के बाद आता है मेन गर्भगृह। ये मेन गर्भगृह है जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल डीटी की मूर्ति रखी होगी। तो ये जो है ये मेन टेम्पल है, और मेन टेम्पल के ऊपर एक बहुत बड़ा सा शिखर है जिसे हम विमान भी कह सकते हैं। विमान और शिखर एक ही बात है। तो ये मेन टेम्पल के ऊपर है, लेकिन इस मंदिर के आसपास चार और मंदिर हैं जो कि सब्सिडरी श्राइन्स हैं, और ये चारों जो हैं ये सब्सिडरी श्राइन्स हैं जो कि अगल बगल में हैं, और इनके ऊपर कोई विमान नहीं है। और इसी मंदिर की बाउंड्री वॉल के अंतर्गत ही एक वाटर टैंक भी है, पानी का वाटर टैंक है। अब इसके पीछे देखो रीजन क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो साउथ की तरफ में हम देखते हैं कि थोड़ी गर्मी रहती है, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे मौसम बहुत गर्म रहता है, शुष्क रहता है। तो वहाँ पर वाटर टैंक की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, पानी की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजोर में बनाया गया, बिल्ट बाय राज राज वन, गंगाईकोंड चोलपुरम जो कि टेम्पल बनाया गया था उनकी, जब उन्होंने गैंगेटिक डेल्टा पे जीत हासिल की थी तो राज राज वन ने वहां पर टेम्पल बनवाया था 1011 AD में। तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हम कुछ चोला स्कल्पचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो चोला टेम्पल्स हैं उनमें हम ये देखते हैं कि डेकोरेशन के ऊपर बहुत ध्यान है, मूर्तियों का बहुत ध्यान है, मूर्तियों से डेकोरेशन की जाएगी। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना शिखर, शिखर का शेप कैसा है, ये शिखर का शेप कितना डिफरेंट है, ये शिखर है जिसे शिखर, या आप इसको विमान भी कह सकते हैं। अगर आप इसको याद करो तो नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जो शिखर है वो ऐसे हुआ करते थे। अगर ये मंदिर है तो उसके ऊपर जो शिखर होगा वो कुछ इस प्रकार से था, ऐसा। इसका शेप कितना अलग है, अंदर की तरफ ये कर्व हो रहा है, अंदर से ये मुड़ा हुआ है, लेकिन ये अंदर को मुड़ा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। और इसके ऊपर फिर एक जो है अमालक बनाया हुआ है, और उसके ऊपर एक ऐसे ऐसे टॉप पे कुछ बनाया हुआ है। तो अब चोला स्कल्पचर्स में हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मूर्ति है वो है नटराज की मूर्ति, जो कि तांडव डांस पोस्चर में है, तांडव करते हुए नटराज की मूर्ति है। ये अर्लीस्ट नटराज स्कल्पचर, ऐसा नहीं है कि चोला एम्पायर में बनने शुरू हुए, वो इससे पहले भी बन रहे थे, और वो हमें सबसे पहले रावण फड़ी केव जो कि ऐहोल में है वहां से मिले, जो कि अर्ली चालुक्य रूल के टाइम पर ही था। अर्ली चालुक्य रूल के टाइम पर ही ये बन रहा था, बहुत पहले से ये बन रहे थे, बट चोलास के टाइम पर ये ज्यादा बनने लगे। नटराज कल्चर में हम ये देखते हैं कि उनके राइट हैंड में ड्रम है जो कि साउंड ऑफ क्रिएशन दिखा रहा है, और उसमें दिखाता है कि सारी जो चीज़ें की क्रिएशन हुई है वो उस डमरू से ही हुई है, उस डमरू से ही हुई है, वो जो डमरू उन्होंने होल्ड किया है उसी से सारी क्रिएशन हुई है, ठीक है, साउंड ऑफ क्रिएशन। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक मेंशन आया है चालुक्य रूल के बारे में। तो चालुक्य रूल के बारे में अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन तो कैसा था,
चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बताइए, कैसा था चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन? सेंट्रलाइज्ड था या डिसेंट्रलाइज्ड था? वॉज इट सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड चालुक्य रूल? यस तनु प्रीतम, राइट। जो नागर स्टाइल में सोलंकी स्कूल है सिर्फ उसी के अंदर वाटर टैंक मिले हैं और कहीं पे वाटर टैंक नहीं मिले हैं, लेकिन जो द्रविड़ियन स्टाइल है उसमें हर जगह हमें वाटर टैंक मिले हैं। इट वॉज सेंट्रलाइज्ड, इट वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। ये सेंट्रलाइज था, हाईली सेंट्रलाइज था, और यहाँ पर जो सेंट्रल है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसी का पूरा कंट्रोल था। हमेशा ध्यान रखिए, चालुक्य रूल वॉज सेंट्रलाइज्ड। और इसको कैसे आप याद रख सकते हो? सी फॉर चालुक्य और सी फॉर सेंट्रलाइज्ड। तो सी फॉर चालुक्य, सी फॉर सेंट्रलाइज्ड, तो वो बहुत ज़्यादा चालाक है, चालुक्य और सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, ठीक, चालुक्य। अब आगे बढ़ते हैं चोला स्कल्पचर में। आप यहाँ देखिए, ये है नटराज की मूर्ति, और ये नटराज की मूर्ति सिग्निफाई करती है बहुत सारी चीज़ों को। इसमें अगर आप इनका अपर हैंड देखें तो इसमें एक एटर्नल फायर है, कपूर है, कपूर जल रहा है। यहाँ पे देखिए, साथ में यहाँ पे कपूर जल रहा है। तो वो जो कपूर है, वो जो जल रहा है, वो क्या दिखा रहा है? वो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्शन को। ये बताते हैं कि हर एक चीज़ जो क्रिएट हुई है उसे एक ना एक दिन ख़त्म होना है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ फॉर एवर के लिए नहीं हो सकती। इसके बाद जो इनका लोअर राइट हैंड है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें हम देखते हैं वो अभय मुद्रा में है, जो सिग्निफाई कर रहा है कि जो डिवोटी हैं, जो पुजारी हैं, जो पूजा करने के लिए आए हुए लोग हैं, जो डिवोटी हैं, जो भक्तगण हैं, उन्हें कभी भी डरना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा निडर रहना चाहिए। ये देखिए, ये है अभय मुद्रा, दिस इज नोन एज अभय मुद्रा। जो उनका लोअर लेफ्ट हैंड है वो पॉइंट कर रहा है अप्रेज्ड फुट की तरफ, ये जो पैर उठा हुआ है उसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है। ये जो पैर, उनका एक पैर उन्होंने उठाया हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है पाथ ऑफ सेल्वेशन, ये मोक्ष का जो रास्ता है उसे इंडिकेट कर रहा है। जो ये शिव है, उनमें आप देखेंगे कि जब वो डांस कर रहे हैं तो वो किसी के ऊपर खड़े हैं, वो एक बोने के ऊपर खड़े हैं, एक स्मॉल ड्वार्फ के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये एक बोना है जिसके ऊपर ये खड़े हैं, और ये जो बोना है ये क्या दिखा रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है ईगो को। एक इंडिविजुअल का जो ईगो है वो हमेशा दबा रह जाता है, वो हमेशा बोना रह जाता है। इसके बाद दिखाया जा रहा है कि उनके जो बाल हैं वो कैसे, मतलब उनके जो बाल हैं वो कैसे, मतलब फैले हुए हैं, लहरा रहे हैं। ये देखिए, इनके जो बाल हैं कैसे लहरा रहे हैं। ये बाल क्या दर्शा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं रिवर गंगा के फ्लो को, इट इज़ शोइंग द फ्लो ऑफ रिवर गंगा। जो इन्होंने ऑर्नामेंटेशन किया हुआ है, जिस प्रकार के इन्होंने जो मतलब गहने पहने हैं, एक कान में उन्होंने शिव का यानी कि मेल ईयरिंग पहना है, और दूसरे कान में उन्होंने फीमेल ईयरिंग पहना है, यानी कि शिव और शक्ति का मिश्रण दिखाया जा रहा है। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ शिव एंड शक्ति, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन दिखाया जा रहा है, जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है, अर्धनारीश्वर। इसके बाद इनके जो गला है वहां पर स्नेक दिख रहा है हमें, हम इनके यहाँ पे आम के आसपास देख रहे हैं, यहाँ पे इनके बाजू के आसपास स्नेक है। ये जो स्नेक ट्विस्टेड है वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कुंडलिनी पावर। जो एक स्नेक होता है वो बिल्कुल शांत रहता है और वो एक डोमेंट स्टेज में रहता है, बट अगर हम उसको टच करेंगे, अगर हम उसको तंग करेंगे या जगा देंगे, तो वो जब जग जाएगा तो वो अपने ट्रू कॉन्शियसनेस में आ सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। तो हमारे अंदर भी वो पैशन होता है, हमारे अंदर भी वो पावर होती है, बट वो डोमेंट स्टेज में होती है। अगर हम उसे पहचान लें, अगर हम उसको मोटिवेट करें, तो हो सकता है कि उसके द्वारा हम अपने ट्रू कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकें और जो भी चाहे वो हमें मिल सकता है। इसके बाद नटराज जो है उनके आसपास आप देखिए, पूरी मूर्ति के आसपास ग्लोइंग लाइट से ही सराउंडेड है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये ग्लोइंग लाइट है, लाइट लाइट, ये सारे जो दिए हैं ये जल रहे हैं, ये सारे जो आसपास में ये पूरी दिए जल रहे हैं, ये सारा बाउंड्री में जो ये जो दिए जल रहे हैं, ये सारे दिए क्या दिखा रहे हैं? ये एक अनएंडिंग साइकिल है, ये एक अनएंडिंग साइकिल है टाइम का। ये जो वक्त है वो चलता रहता है, वक्त कभी रुकता नहीं है, और हमें उस वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है, उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। सो दिस इज चोला स्कल्पचर, ये इसकी इम्पॉर्टेंस है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये चोला स्कल्पचर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे चोला एम्पायर के मंदिरों में।
तो अब हमने चोला स्टाइल कवर कर लिया है। अब हम अगला स्टाइल कवर करेंगे नायका स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, नायक स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट, कुछ पूछना चाहेंगे आप? यस उनका जो यूज़ है, उनका स्टेटस किंग एंड क्वीन का होता था, वो डीटीज के साथ उसको यूज़ करते थे और वो जो है भगवान के तरह ही मानते थे रूलर को। रूलर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी चोला एम्पायर में और साउथ में हम हर जगह देखेंगे। अगर आपने एक चीज़ फील की हो तो साउथ में क्या होता है, वहाँ पे तो मतलब जो मूवीज़ के जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनका भी मंदिर वो लोग बना देते हैं और उनको भी भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं, राइट? अंतराल का यूज़ किया है। देखिए मैं बताती हूँ कि अंतराल का यूज़ किया है। मान लीजिए कि मंदिर है, गर्भगृह है और मंडप है, तो ये जो मंडप है और ये जो गर्भगृह है इसके बीच में होता है अंतराल, ये वाला पार्ट होगा अंतराल का। अंतराल का यूज़ ये होगा कि इस अंतराल से एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है मंदिर को, एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। अब इस अंतराल को यूज़ कर सकते हैं पंडित, जो पंडित होंगे, जो पुरोहित होंगे, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। जो पंडित हैं मान लीजिए उनको अपना कुछ भी काम करना है, पूजा पाठ करना है, आरती देना है, लोगों को प्रसाद देना है, तो वो सारा काम के लिए ये अंतराल यूज़ हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा मंदिर को, गर्भगृह के अंदर सबको नहीं घुसना पड़ेगा। और अगर मान लो कि संख्या ज़्यादा हो जाए डिवोटीज़ की, तो वो बिना अंदर जाए इस अंतराल से ही बाहर निकल जाएंगे, इस स्पेस को यूज़ कर लिया जाएगा, दूर से ही दर्शन करवा दिए जाएंगे, जैसे कि बड़े बड़े मंदिरों में होता भी है, आपने देखा होगा लोग लाइन से आते हैं और एक मिनट के लिए रुकते हैं और फटाफट लोगों को निकाल दिया जाता है, उनको अंदर नहीं जाने देते, तो बाहर से ही वो अंतराल से ही वापस लौट चले जाते हैं, समझ रहे हो? वो अंतराल से बाहर जाने का रास्ता होता है, ये इसका यूज़ है। ओके सी एस सी फुल फॉर, आपको समझ में आ गया? हाँ, जो द्रविड़ियन मंदिर थे वो एजुकेशन हब थे दीपेश, और सिर्फ द्रविड़ियन मंदिर ही एजुकेशन हब नहीं है, और भी मंदिरों में हमें एजुकेशन हब देखने को मिलता था। उस टाइम में जो मंदिर थे वो बैंक का काम भी करते थे और स्कूल का काम भी करते थे। वहाँ पर मंदिरों में जो है एक तरीके से पैसे जो है वो लोग रखते थे, जैसे बैंक में हम लोग पैसे रखते हैं वैसे वहाँ पर पैसे रखे जाते थे, ठीक? तो ऐसे जो है वो पहले एजुकेशन हब था, और सिर्फ यही एजुकेशन हब नहीं था, बाकी सारे मंदिरों में भी पढ़ाई लिखाई हुआ करती थी और वेदों का ज्ञान लोगों को दिया जाता था। ये जो लिफ्टेड लेग है वो कैसे सेल्वेशन को सिग्निफाई कर रहा है? ये जो लिफ्टेड लेग है अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेग को लिफ्ट करना, ये जो मुद्रा है ये कितनी मुश्किल है, ये एक तपस्वी मुद्रा दिखा रही है, जब हम तपस्या कर रहे हैं और हम बाकी सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं। इनका एक पैर ज़मीन पर है और एक पैर ज़मीन पर नहीं है, एक पैर इनका ज़मीन पर नहीं है, ये सिग्निफाई कर रहा है एक दूसरे रास्ते को कि हमें इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, हमें सारी मोह माया छोड़नी पड़ेगी, और जब हम इससे ऊपर उठ जाएंगे, हम इससे अपने आप को लिफ्ट करेंगे, जैसे ये पैर अपने आप को लिफ्ट कर रहा है, तो हमें सेल्वेशन मिलेगा। ओके गॉट इट आर्यना? डिड देयर यूज टू स्टेटस ऑफ किंग एंड क्वीन अलॉन्ग साइड डीटीज ड्यूरिंग चोलास? हाँ, ये मैंने आपको बताया ना, वो डीटीज के साथ साथ जो किंग का नाम है वो रखते थे। अंतराल इज बोथ, एक टनल की तरह भी इसको बनाया जाता था, एक ओपन स्पेस की तरह भी बनाया जाता था, बट ये कोई ऐसा बिल्कुल खुला सा ओपन स्पेस नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ अ टनल जो कि कनेक्टेड है, जो कि कनेक्ट कर रहा है मंडप और गर्भगृह को। ओके कंटेंट इज रिटन इन इंग्लिश एंड यू आर यूजिंग हिंदी, यूज़ वन लैंग्वेज। प्रवीण कुमार, आई एम यूजिंग बोथ बिकॉज इट्स कन्वीनियंट फॉर सो मैनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, उनको लगता है कि इफ़ आपको उनके खुद की लैंग्वेज में, इफ़ आम हम बोलचाल की भाषा में समझे तो इट वर्क्स फॉर देम, सो इट्स फॉर देम जो कि हिंदी समझते हैं, बट द कंटेंट इज इंग्लिश बिकॉज आई यूज सेम कंटेंट फॉर इंग्लिश एंड हिंदी स्टूडेंट्स, सो आई डोंट मेक डिफरेंट कंटेंट फॉर बोथ बिकॉज माई हिंदी इज नॉट दैट गुड, सो आई कॉन्ट राइट एवरीथिंग इन हिंदी। कपूर को देखो, कपूर जो उन्होंने हाथ में लिया हुआ है ना, वो एक फायर है,
अब फायर से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, अगर कहीं पे आग लग जाए तो सब कुछ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो जो उनके एक हाथ में उन्होंने यहाँ पे कपूर जलाया हुआ है ना, ये वाला, ये जो कपूर जल रहा है इनके हाथ में, वो कपूर दिखा रहा है कि उनके हाथ में वो डिस्ट्रक्शन की पावर है। जो शिव है वो क्रिएट भी कर रहे हैं और वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने डमरू के साउंड से सब कुछ बना दिया ये पूरी दुनिया, इसे वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। और हर एक वो चीज़ जो इस दुनिया में है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जन्म लेने से पहले ही मृत्यु निश्चित है। जन्म लेते ही वो निश्चित हो जाता है कि कभी ना कभी उसकी मृत्यु होगी, फिर उसका पुनः जन्म होगा और यही साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल से अगर आपको निकलना है तो मोक्ष चाहिए, और मोक्ष का मतलब सेल्वेशन, जो कि उनके ये उठे हुए पेड़ पैर से दिख रहा है। ओके, यस, इट वॉज ऑल्सो अ कल्चरल हब, या राइट। ओके गाइस, ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे नायका स्कूल के बारे में। देखिए गाइस, अभी हमारा क्या क्या बच गया है, अब हमारा नायका स्कूल बचा है, विसारा स्कूल, विजयनगर स्कूल, होयसाला, पाला स्कूल, ये सब बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा अभी हमारा आधे से ज़्यादा पार्ट जो है बचा हुआ है, तो ये अभी हमें कवर करना पड़ेगा, जो कि आज की क्लास में कवर कर पाना मुश्किल लग रहा है। अभी ये इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है, मेरे पास 1 ही घंटे का टाइम होता है। तो अब जो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं, नायका स्कूल से शुरू करेंगे। अगली क्लास कब होगी मैं आपको बता देती हूँ, अगली क्लास जो है वो 10:30 होगी, 10:30, 9:30 से 10:30 होगी सुबह, और डेली यही टाइम है, दिस इज़ द फिक्स्ड टाइम, ये फिक्स्ड रहता है, इसी टाइम में क्लासेस होती हैं। सैटरडे संडे छुट्टी है, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं है। 9:30 से 10:30 डेली आर्ट एंड कल्चर की क्लास है, जिसमें अभी हम लोग नितिन सिंघानिया की बुक को कवर कर रहे हैं, नॉट लाइन बाय लाइन, बट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वी आर कवरिंग दैट, ताकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आए और फिर आप जब सेल्फ स्टडी करें तो आपको हेल्प मिल सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, 9:30 से 10:30 कल हम दोबारा मिलेंगे और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है आप साथ साथ रिविजन कर सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड PDF, वॉट कैन यू डू, यू कैन गो टू अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप जो है वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर जाने के बाद अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है वो आप डाउनलोड करिए, उसको अपडेट कीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। वहाँ पर सर्च माई नेम आरती मिश्रा, आपको मेरी प्रोफाइल का पूरा मिल जाएगा, जितने भी मैंने कोर्सेज बनाए हैं, जहाँ पर मैंने सभी बुक्स की समरी बनाई है, वहाँ पर मैंने एक कोर्स बनाया है टेम्पल आर्किटेक्चर का क्रैश कोर्स, जिसमें सारे टेम्पल आर्किटेक्चर के नोट्स हैं। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखोगे अपने फ़ोन पर, जब आप ऐप में मेरा वीडियो प्ले करोगे तो यहाँ कोने में ना डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड PDF, इस डाउनलोड वाले इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके PDF ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाते हैं। फिर आप वो PDF जो है अपने पास रख सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, उसका प्रिंट करवा सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। और ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसके अलावा एक और कोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकेस आप UPSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं बट यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर, कौन सी बुक पढ़नी है, किसका सोर्स कैसे कवर करना है, कहाँ से क्या आता है, अगर आपको ये नहीं मालूम तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना। तो देर इज़ अ कोर्स ऑफ सिलेबस ऑफ UPSC 2019 प्रिलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू का, जो भी पूरा सिलेबस होता है और उसकी जो बुक लिस्ट होती है उसके ऊपर मैंने एक कोर्स बनाया है, आप वो कोर्स भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बुक लिस्ट को भी डिस्कस किया है कि सिलेबस का कौन सा पार्ट कौन से बुक से कवर होता है। अगर हिस्ट्री है तो एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से कवर होगी, मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से कवर होगी, और वो जो बुक लिस्ट मैंने वहाँ दी हुई है वो शॉर्टेस्ट बुक लिस्ट है, सबसे छोटी बुक लिस्ट है, सबसे छोटी बुक लिस्ट जो कि आपके सारे सिलेबस को कवर कर दे। और साथ में अगर कोई कोर्स आपको देखना चाहिए तो वो कोर्स आपको कहाँ से देखने को मिल जाएगा, वो सारा सोर्स मैंने उस सिलेबस वाले कोर्स में कवर किया है, आप वो सिलेबस वाला कोर्स भी देख सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज आप देख सकते हैं, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसकी PDF आपको वहीं से मिलेगी। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को जाएंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।